अगर आप लोग भी घरों से बाहर अपनी गाड़ियां लेकर जा रहे हैं और पेट्रोल पंप जाते हैं पेट्रोल भरवाने, तो मैं अब आपको बता दूं कि अब पूरे जम्मू कश्मीर में भारत पेट्रोलियम के जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं उन पर आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। मैं आपको बता दूं, ये तस्वीरें सबसे पहले आप देखें, बाहर वायरिंग कर दी गई है। ये वायरिंग भी इसलिए की गई है कि भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप्स पर अब आपको तेल नहीं मिलेगा। आपको बता दिया जाए, जितने भी ऑयल टैंकर्स हैं जो कि भारत पेट्रोलियम के साथ अटैच्ड हैं, उनकी स्ट्राइक चल रही है। और इस स्ट्राइक को चलते अब जम्मू कश्मीर के पेट्रोल पंप्स पर जो कि भारत पेट्रोलियम के हैं, यहाँ पर आप लोगों को तेल नहीं मिलेगा। तो अगर आप लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपने घरों से बाहर कहीं पर भी गाड़ी लेकर जा रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि अगर आप भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप से तेल डलवाते हैं तो अब आपको जो पेट्रोल है वो यहाँ पर नहीं मिलेगा। मैक्सिमम जितने भी भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप्स हैं वो सभी पेट्रोल पंप इस समय ड्राई हैं। स्ट्राइक लगातार चल रही है, स्ट्राइक के चलते पूरे पेट्रोल पंप्स ड्राई हैं। जितनी भी गाड़ियां यहां पर पेट्रोल डलवाने आ रही हैं वो तमाम गाड़ियां बाहर से ही जा रही हैं। और आपको बता दिया जाए, अभी भी आप ये मेरे पीछे वायरिंग देख पा रहे हैं, पूरी वायरिंग इसलिए की गई है कि पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल जो है वो आपको नहीं मिलेगा। पूरे पेट्रोल पंप्स ड्राई हैं, जितने भी गाड़ियां यहां पर आ रही हैं, जितने भी ऑटोज यहां पर आ रहे हैं तेल डलवाने के लिए, मैं आपको बता दूं वहां पर भी जो है इनको तेल नहीं मिल रहा है, जिस वजह से इन्हें यहाँ से जो है वो गुजर कर जाना पड़ रहा है। अगर आप लोग भी अपने घरों से बाहर जा रहे हैं कहीं एक जगह से दूसरी जगह के लिए और भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप से तेल डलवाते हैं, तो मैं आपको बता दूं अब जम्मू कश्मीर में जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं भारत पेट्रोलियम के, वो सभी सूखे पड़े हैं। और उसका कारण ये है कि ऑयल टैंकर्स जो हैं वो स्ट्राइक पर चले गए हैं। मैं आपको बता दूं, ऑयल टैंकर्स जितने भी हैं, ऑयल टैंकर्स जितने भी भारत पेट्रोलियम के साथ अटैच्ड हैं वो जो है वो स्ट्राइक पर चले गए हैं। और ये आप देख पा रहे हैं तस्वीरें, हालांकि जो यहाँ के एम्प्लॉयज हैं वो तमाम एम्प्लॉयज इस समय आप देखें कि पेट्रोल पंप पर ही हैं, पेट्रोल पंप पर ही अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, पर जो है वो यहाँ पर हड़ताल के चलते, स्ट्राइक के चलते आप देखें यहाँ से लोग गुजर रहे हैं पूछ कर कि पेट्रोल है या नहीं है, यहीं से उन्हें गुजरना पड़ रहा है। तो मैं आपको बता दूं, जितने भी लोग अब गाड़ियां लेकर घरों से बाहर निकल रहे हैं और भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप से तेल डलवाते हैं, अब उन्हें पेट्रोल या डीजल यहाँ पर नहीं मिलेगा। और ना मिलने का कारण ये है कि जितने भी ऑयल टैंकर्स हैं जो कि अटैच्ड हैं भारत पेट्रोलियम के साथ, वो तमाम ऑयल टैंकर्स अपनी मांगों को लेकर स्ट्राइक पर जा चुके हैं। उनकी मांगे जिस तरह से लगातार जो है वो अपने मैनेजमेंट के सामने रखे हुए हैं, पर बावजूद उसके भी जब तक मांगे नहीं मानी जाती हैं, वो तमाम लोग जो हैं वो स्ट्राइक पर इसी तरह रहेंगे। अब अगर आप कहीं से भी गुजरते हैं और रास्ते में भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप मिलता है, तो बाहर इसी तरह ये वायरिंग हुई आपको नजर आएगी। ये वायरिंग का मतलब ये है कि आप लोग पेट्रोल पंप के अंदर ना आए, हड़ताल के चलते जो है वो पेट्रोल पंप सूखे पड़ गए हैं। इस समय पेट्रोल लोगों को नहीं मिल रहा है, लोग इससे परेशान हो रहे हैं क्योंकि जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है, कई इलाके ऐसे हैं जहां पर सिर्फ भारत पेट्रोलियम के ही पेट्रोल पंप्स हैं, तो वहां पर लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है। क्योंकि अगर शहर के सेंटर की बात की जाए, जैसे गांधीनगर वाले इलाके हो गए, जीवल जैसे इलाके हो गए, यहाँ पर लोगों को इजीली पेट्रोल मिल जाता है क्योंकि भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप्स पर तेल नहीं है। पर इंडियन ऑयल एचपी की मैं बात करूँ, वहाँ पर आप लोगों को जो है वो पेट्रोल बिल्कुल मिल जाएगा। इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि वहां से लोग पेट्रोल भरवा रहे हैं, पर जिन इलाकों में सिर्फ भारत पेट्रोलियम के ही पेट्रोल पंप्स आते हैं वहां पर लोग परेशान हैं, क्योंकि फिलहाल यहां आप लोगों को पेट्रोल या डीजल अब नहीं मिलेगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग अगर एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं तो वो लोग इस चीज को ध्यान में रखिए कि आप लोग जो है वो रास्ते से अगर एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहे हैं, तो आपके पेट्रोल पंप अगर आपके रास्ते में जो है वो इंडियन ऑयल या फिर एचपी का पेट्रोल पंप आता है, आप लोग वहां से तेल भरवा लीजिए। क्योंकि अगर आप भारत पेट्रोलियम का इंतजार करेंगे, वहां से तेल डलवाते हैं, तो आप लोग मुश्किल में आ सकते हैं, क्योंकि भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप लगातार कई दिनों से सूखे चल रहे हैं। ऑयल टैंकर्स लगातार हड़ताल पर हैं और ऑयल टैंकर्स की स्ट्राइक पर होने की वजह से, हालांकि अब इस पर कुछ भी कह पाना मुश्किल है कि स्ट्राइक आगे और कितनी देर तक रहने वाली है, पर तस्वीरें आप सभी के सामने हैं जो पेट्रोल पंप्स हैं वो किस तरह से ड्राई हैं। आप लोगों अपनी राय को रखिएगा कमेंट बॉक्स में। बन रहे हैं आप ओली टाइम्स के साथ, मुझे कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।